हरियाणा सरकार भले ही हर पेपर कड़ी निगरानी के बीच करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। अक्सर मुन्ना भाई हमने फिल्मों में सुना है, पर आज देखने को भी मिल गया। मामला सीईटी ग्रुप डी के पेपर से जुड़ा है। आज पेपर था, इस दौरान अंबाला में प्रशासन ये दावे कर रहा था कि सुरक्षा इंतजाम पूरे किए गए हैं, परीक्षार्थियों की गहनता से जांच करके उन्हें परीक्षा केंद्र में भेजा जा रहा है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही उस वक्त सामने आई जब दिल्ली हेडक्वार्टर से उन्हें संपर्क करके कहा गया कि शहर के नारायणगढ़ रोड स्थित एनसीसी स्कूल में पेपर देने आए एक मुन्ना भाई के बायोमेट्रिक मैच नहीं हुए, जिसके बाद प्रशासन ने पेपर देकर बाहर निकाल रहे आशीष को हिरासत में ले लिया। आरोपी आशीष हिसार में पीडब्ल्यूडी और पीआर में कलर्क पोस्ट पर तैनात है और अंबाला में सुनील कुमार की जगह पेपर देने आया था। ऐसे में अंबाला प्रशासन की लापरवाही सरासर देखने को मिलती है। बायोमेट्रिक और भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद एक व्यक्ति परीक्षा केंद्र में घुसकर दूसरे की जगह पेपर देकर बाहर आ जाता है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पंजोखरा थाना SHO विक्रांत ने बताया कि आज सुबह एग्जाम के शिफ्ट के दौरान उन्हें हेडक्वार्टर से फोन आया और उन्होंने ये कंप्लेंट लिखाई कि आशीष नामक व्यक्ति सुनील कुमार की जगह एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र में गया था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल सुनील की तलाश जारी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस मामले की जांच की जा रही है और प्रिवेंशन ऑफ एग्जाम एक्ट के तहत आशीष पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अंबाला से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे की जगह क्या कुछ मामला है? ये आज CET का एग्जाम था और हमारे यहाँ पे सेंटर बना था NCC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जो फर्स्ट मॉर्निंग का एग्ज़ाम था उसके अंदर हमारे पास सेंटर से कॉल आया है, जो सेंटर सीनियर सुपरवाइज़र थे अपने संजय कुमार जी, उन्होंने एक कंप्लेंट दी जिसके अंदर आशीष सन ऑफ अनूप, ये नरवाना के रहने वाले हैं, ये लड़का जो वहाँ सेंटर में सुपरिटेंडेंट द्वारा पकड़ा गया था, ये सुनील कुमार के स्थान पर पेपर दे रहा था और वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया और इसके खिलाफ हमें कंप्लेंट दी, जिस पे हमने FIR दर्ज कर दी और इसको अरेस्ट कर लिया है। और जो लड़का जिसके स्थान पर ये बैठा था उसकी अभी तलाश है, उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, ये PWD में क्लर्क लगा हुआ है सर। और कुछ क्या मामला इसमें है, किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज? ये अभी 419-420 IPC प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस एग्जामिनेशन एक्ट 1987, उन धाराओं के तहत अभी पर्चा दर्ज किया गया। सर और क्या कुछ मिला है, कोई जानकारी में बता रहे? नहीं, अभी इसने ये मतलब बताया कि ये मतलब गवर्नमेंट जॉब पे है पिछले 3 साल से, और जो सुनील है ये इसका दोस्त है और इसके सुनील के कहने पे यहाँ पेपर देने के लिए आया था। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।